कुछ दिनों से ये दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक सेगमेंट वो है जो इसराइल को सही मानता है और दूसरा सेगमेंट पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स ऐसे भी सेक्शंस हैं जो न्यूट्रल हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक आउटर बिहेवियर है इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए। इनकी ट्रू इंटरनल फीलिंग्स क्या हैं ये तो वो ही जाने। और क्योंकि इस वॉर का उन पर पॉसिबली डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो वो चुप रहने की कन्वीनियंस अफोर्ड कर भी सकते हैं। इन दोनों साइड्स के सपोर्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग केस सामने रखते हैं अपने व्यूज को डिफेंड करने के लिए। आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स से हर तरह के मीडिया को भर दिया है। और सच बताऊं तो अगर आप किसी भी एक साइड की बात लंबे समय तक सुनोगे तो आपको वही कन्विंसिंग लगने लगेगा। तो फिर सही क्या है? क्या होता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन? क्यों दो लोग, दो कम्युनिटीज या दो नेशंस के आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं? शायद इस बात को एक्सप्लोर करना बनता है। आपको ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट तो याद ही होगा जब आपने दो लोगों या दो ग्रुप्स का झगड़ा होते देखा था। शायद आप एक बाईस्टैंडर थे, भीड़ का हिस्सा जो सिर्फ क्यूरियोसिटी से खड़ा था, या फिर अगर उसमें आप या आपका कोई नियर एंड डियर वन इन्वॉल्व था तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपका जो भी रोल रहा हो, लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में कुछ व्यू पॉइंट बना होगा, कुछ माइल्ड या इंटेंस इमोशंस क्रिएट हुए होंगे। अगर आप उसका हिस्सा थे तो ऑपोजिट पार्टी को ईगोइस्टिक, झगड़ालू, अड़ियल जैसे टाइटल्स भी दिए हों। आपको अपने ओपोनेंट पर गुस्सा आया होगा या हैरानी हुई होगी कि इतनी सिंपल बात सामने वाले को समझ क्यों नहीं आ रही, या कोई ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन आपने अपने इमोशंस और बायस साइड में रखकर क्या कभी एक जेन्युइन माइंडसेट से सोचा है कि एक्चुअली सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा, या वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव उनके आसपास के माहौल, सोच और लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनता है, और उनके एक्शंस रिएक्शंस इस लाइफ व्यू पर ही निर्भर करते हैं। हमारे कुछ आइडियाज, बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने आप को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मतलब हमारे लिए क्या और किन एक्शन से डिपेक्ट होता है, ये हर इंसान, कल्चर या रीजन में वैरी कर सकता है। सिमिलरली, हमारे ऐसे ही आइडियाज होते हैं हमारी पर्सनल स्पेस, फिजिकल टेरिटरी, रिलीजन, कम्युनिटी और कंट्री जैसी चीज़ों को लेकर। आपके ओपोनेंट की प्रॉब्लम आप और आपके विचार नहीं हैं, उनकी प्रॉब्लम उनकी खुद की सोच है जो उन्हें एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर रखती है, उससे आगे और अलग सोचने नहीं देती। और यही प्रॉब्लम आपकी भी है। देयर इज नो वन राइट और रॉन्ग, सिर्फ अलग अलग नज़रिए हैं जिसमें हर किसी के पास कुछ सही कुछ गलत, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ विजडम कुछ फूलिशनेस से भरी एक टोकरी है। अगर हम इसे ब्लैक एंड वाइट में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये इम्पॉसिबल और अनफेयर है। और ये बात हिस्ट्री को उठाकर देखने से समझ आती है। मेरा बेटा हिस्ट्री को लेकर बहुत पैशनेट है, उसकी वजह से मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखे हैं जो वैरिड पीरियड्स, कल्चर्स और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इनसे मैं इतना ज़रूर सीखी हूँ कि कोई भी चीज़ को समझने, समझाने और देखने के कई तरीके हो सकते हैं। कौन, क्या और क्यों कह रहा है, इससे उसके मायने बदल जाते हैं। इसलिए कोई भी एक फिक्स रियलिटी या राइट रॉन्ग नहीं होता, सब कॉन्टेक्स्चुअल है। जो कल सही था वो आज गलत है, जो एक एम्पायर मानता था वो दूसरे के लिए अनथिंकेबल था। तो क्या एक सही था और दूसरा गलत? शायद नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे से अलग नज़रिए से देख रहे थे। उनके पर्सनल इंटरेस्ट्स, माइंडसेट, लाइफस्टाइल्स, बिलीफ्स सब यूनिक थे और उनकी सोच और उस समय के हिसाब से सही थे। लेकिन अलग होना ठीक है, वो हर किसी की रियलिटी है। पर दिक्कत तब आती है जब कोई अपने ओल्ड आइडियाज़ को रिजिडली पकड़ के रखता है। जब भी कोई बदलता नहीं है तब पुराने पैटर्न्स किसी न किसी को नुकसान करते ही हैं और डिक्लाइन लाते हैं। हिस्ट्री में जिया नहीं जाता, उससे सीखकर आगे बढ़ा जाता है,
ताकि आज को बेहतर बना सकें और कल की मजबूत नींव रख सकें। ह्यूमन लाइफ एक डायनामिक प्रोसेस है जो एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग, एवर ग्रोइंग रहनी चाहिए। अगर हम अपने पुराने फेमिलियर नज़रिए से ही बंधे रहेंगे तो किसी इंसान या सिचुएशन के उनके तरफ के ट्रूथ को देख ही नहीं पाएंगे। इसके लिए अपने अंदर एक ओपननेस क्रिएट करनी पड़ती है। हमारे प्रीसेट आइडियाज़ और उनके जो भी एसोसिएशंस हों, चाहे प्रेस्टीज, वेल्थ, एज, रेस, स्टेटस या सोशल कॉन्टेक्स्ट से हों, इन्हें मिटाकर पुरानी जजमेंटलिज्म से बाहर आना पड़ता है। जब एक अनबायस्ड प्योर नज़र से हम देखने लगते हैं तब हम डिफरेंसेस से आगे बढ़ पाते हैं। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट्स को एक इमोशनल एस्पेक्ट से भी समझते हैं। अगर हम कोई भी इशू के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, उसमें हमें इनजस्टिस नज़र आती है, तो उसके लिए गुस्सा, रोष और हेट्रेड क्रिएट करना हमारी फर्स्ट चॉइस बन जाती है। बट इज़ द फर्स्ट चॉइस रियली द बेस्ट चॉइस? कोई भी इमीडिएट रिएक्शन ज़्यादातर हमारे लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन से आता है, जो हमारी एंशंट एनिमल ब्रेन है। एनिमल माइंड दो ही चीज़ें समझता है, डिफेंड और अटैक। उसका काम है हमें जिंदा रखना। फिजिकल डेंजर में ये बात समझ आती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी होती है, लेकिन अगर हम पर कोई फिजिकल हमला नहीं हो रहा है तो कोई भी आर्ग्यूमेंट में किस चीज़ को डिफेंड या अटैक कर रहा है हमारा माइंड? हमारी फिजिकल दुनिया ही की तरह हमने तिनका तिनका जोड़कर जो अपनी मेंटल दुनिया बनाई है, ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई बड़ा बिलीफ या वैल्यू खतरे में होता है तो हम इनसिक्योर फील करते हैं और हमें सेफ रखने के लिए माइंड अटैक या डिफेंड मोड में आ जाता है। हम अपने चैलेंजर या चैलेंजिंग सिचुएशन से वर्बल या फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो जाते हैं। इसलिए कई बार कोई इशू में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर भी हम उसके लिए लड़ने लगते हैं। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो सकता है? मैं कहूँगी बिल्कुल हो सकता है। अगर रिएक्ट करना हमारे लिम्बिक ब्रेन का काम है तो सोच के, एनालाइज करके कॉन्शियसली अपने वर्ड्स और एक्शंस चूज करना, ये हमारे थिंकिंग ब्रेन या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। लॉजिक और रीजनिंग का पावर ऐसे गिफ्ट्स हैं जो किसी एनिमल के पास नहीं, सिर्फ ह्यूमंस को एवोल्यूशन के थ्रू मिले हैं। बस हम इनका लिमिटेड और कई बार रॉन्ग यूज़ करते हैं। अगर एक लेवल डीपर जाएं, तो हमें ऐसी सिचुएशन में अपने इमोशंस में रहने के बदले थोड़ा अपने आप को उनसे हटाकर उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। हम ध्यान देंगे तो ये हमारे लिए खुद के बारे में जानने का एक मौका बन सकता है। हम सोचते हैं कि किसी ने मुझे इरिटेट किया, मेरे साथ गलत किया। हम ये नहीं देख पाते कि मैं इरिटेट हुआ, मैंने खुद के साथ गलत होने दिया, या उस गलत को मैंने अपने मन में किस हद तक इम्पॉर्टेंट बना रहा हूँ। हम सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो बाहर की दुनिया से मुझे हो रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली सच ये है कि हर इमोशन तो मैंने ही बनाया है। हमारे पास हर मोमेंट में चॉइस थी कि हम क्या फील करें। हमने इरिटेट होना, गुस्से में आना, झगड़ा करना चूज़ किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जानने की कोशिश करें कि हम ऐसे इमोशंस क्यों बना रहे हैं। ये मुझे अपने बारे में क्या बता रहा है? क्यों अगर कोई मुझे नीचा दिखाता है तो मैं नीचा महसूस करता हूँ? क्या मेरे खुद के विचारों में ये डाउट है और इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या मुझे हमेशा से यही बताया गया है कि इज्जत इंटरनल फीलिंग नहीं एक्सटर्नल बिहेवियर से मेजर करनी चाहिए, और मैं बिना इस बिलीफ को क्वेश्चन किए इसे अपनी लाइफ में फॉलो करता जा रहा हूँ? हमारे ट्रिगर्स का सोर्स कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है, और लाइफ सिचुएशंस हमें इनके बारे में अवेयर कराने के लिए ही आती हैं। सच यही है कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज़ हैपनिंग फ्रॉम मी एंड फॉर मी। लेकिन कई प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स, पेनफुल या लॉजिक डिफाइंग होती है कि सिर्फ रीजनिंग अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए
क्या उपाय हो सकता है? मेरे एक्सपीरियंस में इसका रास्ता दिल से होकर जाता है। जो काम दिमाग नहीं कर सकता, वो एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन कैसे करेगा? क्या आपको पता है कि हार्ट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है जो ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड से 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है? एंड व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जब हम अपने हार्ट के वाइब्रेशंस रेज करते हैं, तब उसके पावर से हम कोई भी गुत्थी सुलझा सकते हैं। और हार्ट के वाइब्रेशंस रेज होते हैं लिटरली हार्ट एक्सपेंशन या दिल को बड़ा करने से। जब हमारे दिल में इतनी जगह बन जाती है कि इसमें हमें परेशान करने वाले, हमसे अलग दिखने और सोचने वाले हर कोई समा सके, तब हमारा हार्ट एक्सपैंड होने लगता है। इंटेलिजेंस से भी बड़ा सुपर पावर है लव। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक बात अपना ली है, जब कोई मेरे साथ कुछ गलत करता है तब झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे एक बार बुरा लगता है, लेकिन फिर मेरा माइंड, हार्ट, थॉट्स, इमोशंस सब उस इंसान को महसूस करने में लग जाते हैं। मैं वही इशू को उनके एंगल से देखने की कोशिश करती हूँ। मेरे मन में ख्याल आता है कि उस इंसान को क्या दर्द, क्या तकलीफ होगी जो उसने ऐसा किया होगा। मेरी मेंटर कहती हैं, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। जो खुद दर्द में है वही औरों को दर्द देता है। और जब हम खुद के दर्द से ऊपर उठकर दूसरों का दर्द देखने लगते हैं, तब उनके लिए प्यार जाग जाता है। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। कुछ साल पहले हम एक फैमिली ट्रिप पर टर्की गए थे। उन दिनों इस्तांबुल में काफ़ी सीरियन रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हुआ था, जिसके वजह से क्राइम बहुत बढ़ गया था। और ऐसे ही एक रिफ्यूजी कैब ड्राइवर के साथ हमारा इंसिडेंट हुआ। जब हमने उस कैब ड्राइवर को कुछ मनमानी और चीटिंग के लिए रोका, तो उसने मेरी मम्मी पर गुस्से में चिल्लाते हुए थूक दिया। उस इंसिडेंट ने हम सबको हिला दिया था। हम बहुत गुस्से में भी थे और उस आदमी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करते करते रह गए। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ, तो उस आदमी के लिए मेरे मन में अंडरस्टैंडिंग और गुड विशेस के अलावा कुछ नहीं। वॉर से किसी का भला नहीं होता। कोई एक साइड जीत भी जाए तो भी ह्यूमैनिटी की हर तरफ से हार ही होती है। देयर इज ऑलवेज कोलैटरल डैमेज। आसान नहीं होता अपनी बसी हुई दुनिया को उजड़ते देखना। एक पल में आपकी आइडेंटिटी, आपकी दुनिया, आपके सपने सब चकनाचूर हो जाते हैं। आपका सेफ हेवन टूटकर बिखर जाता है। और इसलिए द वर्ल्ड नीड्स टू मेक लव, नॉट वॉर। हर इंसान कोई ना कोई छोटी बड़ी इंटरनल या एक्सटर्नल वॉर से जूझ रहा है। उन्हें आपकी नफरत नहीं, प्यार की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की भूख है। हर वॉर का सोल्यूशन लव से ही मिल सकता है। प्रॉब्लम एक इंसान की हो या पूरे देश की, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों के दर्द को भी समझना, यही इंसानियत है। अगर आप डायरेक्टली कोई वॉर के पीड़ितों को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। इसके लिए आप भी ग्रुप्स बनाकर अनहेल्दी आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो इसे किसी का भला नहीं होगा। हर इवेंट, चाहे आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता हो या इनडायरेक्टली आपके रेडार में आया हो, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, तो इसके लिए चिल्लाने के बदले आप कुछ सही हेल्प करो अपने आसपास किसी को। हमारे एक्शंस कोई बहुत बड़े स्केल पर होने ज़रूरी नहीं। एक स्माइल, किसी को माफ़ कर देना, किसी को अच्छा महसूस कराना, ये भी उतने ही नोबल हैं। इंसान को चेंज करने के बदले जो इमोशन दुनिया में दिख रहा है उसको चेंज करना ज़रूरी है। एक हार्वर्ड के प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर ब्रुक्स को मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मदर नेचर ने हमें ऐसा डिज़ाइन किया है कि हमारी ग्रोथ तब सबसे ज़्यादा होती है जब हम दूसरों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और दूसरों के भले के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं। एज ए रेस, ह्यूमंस का सर्वाइवल इस पर डिपेंडेंट है। काइंडनेस, कंपैशन,
एम्पथी, ये ऐसे बीज हैं जो दुनिया को तो पेड़ की छाव देते ही हैं, लेकिन उगाने वाले को भी ढेर सारे फल दे जाते हैं। जब दिल के रियल एस्टेट में ये लव का गार्डन खिलेगा, तब ऑल विल बी फेयर, बिकॉज लव विल कॉन्कर वॉर।